नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एपी क्लासेस के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, यूपी टेट 2018 की उत्तर कुंजी पर जो विवाद है वो तो आप लोगों को पता ही है कि कितने प्रश्नों पर आपत्तियां उठाई हैं और कितने प्रश्नों की आपत्तियां पीएनपी पे रिसीव की गई। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपत्तियां जो है वो पीएनपी कार्यालय पहुंच चुकी हैं और उनका निस्तारण करने के लिए उनका छाटा जा रहा था, मतलब छटनी की जा रही थी, मतलब कि उनको जो समान प्रश्नों की आपत्तियां हैं और समान जो 7-6 उनको एक साथ किया जा रहा था और जो भी था उन समान प्रश्नों को एक एक कैटेगरी बना के विशेषज्ञों की टीम को भेजने की तैयारी हो रही है। ये हम आपको पिछले वीडियो में अपने बता चुके हैं। अब इसके आगे का अपडेट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी टेट 2018 उत्तर कुंजी हजारों अभ्यर्थियों को झटका, कितने प्रश्नों पर कॉमन नंबर और कितने प्रश्नों के उत्तर बदलेंगे, क्या पास वाले होंगे फेल, मतलब जो बाउंड्री लाइन पे हैं क्या वो फेल हो सकते हैं, ऐसे कई सारे प्रश्न लोग हमसे कमेंट करके पूछे। तो मैं आपको एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा और पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और पीएनपी कार्यालय से क्या खबर मिल रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं कि क्या हुआ। पहला प्रश्न जो पूछ रहे हैं अभ्यर्थी कि कितने प्रश्नों के उत्तर बदले जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पीएनपी कार्यालय से जो खबर प्राप्त हो रही है कि जो आधिकारिक जो छटनी थी वो लगभग पूरी हो चुकी है और उसके बाद जो मतलब सारे प्रश्नों को एक साथ इकट्ठा किया जा चुका है और विशेषज्ञों के पास भेजने की तैयारी हो रही। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले जो एक विशेषज्ञों के भेजने से पहले जो पीएनपी ने जो माना है कि कितने प्रश्नों पे वास्तव में आपत्तियां हैं या कितने प्रश्नों पे जो गलत हैं वो माने हैं, वो मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूं कि पीएनपी ने जो टोटल से लगभग 10 से 12 प्रश्नों को आपत्ति स्वीकार की है कि हाँ 10 से 12 प्रश्न ऐसे हैं। दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी लेवल की। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आप वीडियो में ये बताते ही नहीं है कि ये आप जो बात कर रहे हैं प्राइमरी की कर रहे हैं या अपर की कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने पेपर दिया है या आप किसी और के लिए भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी लेवल पे ही इतनी आपत्तियां भेजी गई हैं। आप तरह तरह के समाचार पत्रों, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक मीडिया और भी बहुत जगह चल रहा है बातें, तो इतनी सारी आपत्तियां जो हैं वो प्राइमरी लेवल पे ही भेजी गई हैं। तो अगर मैंने भूलवश अगर प्राइमरी या जूनियर का नाम नहीं लिया है इस वीडियो में या पिछले वीडियोस में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बात प्राइमरी लेवल की कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं ये कितनी आपत्तियां मांगी हैं पीएनपी ने, आपत्तियां स्वीकार की हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 10 से 12 प्रश्नों पर जो है वो आपत्तियां पीएनपी ने स्वीकार की हैं। एग्जैक्ट मैं काउंट दोस्तों इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि अभी उनकी तरफ से ऑफिशियल जो आधिकारिक विज्ञप्ति है वो जारी नहीं हुई है, इसलिए मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता। लेकिन जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि 10 से 12 प्रश्न ऐसे हैं जो पीएनपी ने मांगे हैं, माने हैं कि हाँ ये इन पर आपत्ति जायज है, मतलब सही है। अब बात हो रही है कि कितने प्रश्नों के उत्तर बदले जाएंगे। तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, जो हमें जो जितनी भी जो खबर मिल रही है दोस्तों पीएनपी कार्यालय से, कुछ सूत्रों से खबर मिल रही है, मैं उस टॉपिक पे बात कर रहा हूं और ये कोई आधिकारिक न्यूज नहीं है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आप लोग इस वीडियो में नीचे जो कमेंट लिखे हैं वो बोले कि आपको कहां से खबर मिली है, तो ये कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है पीएनपी कार्यालय की। ये हमारे द्वारा बनाया गया हुआ वीडियो है और सूच खबरें मिल रही हैं तरह तरह के समाचार पत्रों से, सूत्रों से, तो वहां से हम ये आपको बता रहे हैं। लेकिन हमें जो खबरें प्राप्त होती हैं वो लगभग 98 से 99% तक सच होती हैं। तो बात कर रहे हैं कि 10 से 12 प्रश्नों पर आपत्तियां पीएनपी ने स्वीकार की हैं कि हाँ ये प्रश्न वास्तव में इन पर आपत्तियां जायज हैं और इन्होंने जो माना है वो लगभग 6 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जिनका ये माना है कि हाँ इनके उत्तर बदले जाने चाहिए, मतलब कि जो संशोधित उत्तर कुंजी जो जारी होगी उसमें आप देखेंगे कि 6 से 7 प्रश्न, 5 से 7 भी हो सकते हैं, 6 से 7 भी हो सकते हैं, इतने प्रश्नों के उत्तर बदले जा सकते हैं। मतलब किसी प्रश्न का उत्तर अगर ए रहा है और आपको उनको सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, बी भी, जो भी उसका पूर्णतः सही उत्तर होगा जो भी विशेषज्ञ उनको बताएंगे तो उस प्रकार से उसके चेंजेस होंगे। मतलब 6 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर बदले जा सकते, तो यहां पे रिजल्ट में एक बहुत बड़ा
फेरबदल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लीजिए किसी ने उसको उसके 7 प्रश्न के आंसर की चेंज हुए और 7 प्रश्न के उत्तर बदल गए तो उसके 7 नंबर कम हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है, लेकिन अभी ये एग्जैक्ट कहना सही नहीं है, लेकिन हो सकता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की जो बहुत से अभ्यर्थी भी पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कितने प्रश्नों पर कॉमन नंबर मिलेंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, यहां पर काफी कहा जाए तो हजारों अभ्यर्थी आज टिकाए हुए बैठे हैं कि कितने प्रश्नों पर कॉमन नंबर मिलेंगे जिससे उनका बेड़ा पार हो सके। तो देखिए जो रिजल्ट उन्होंने अपना चेक तो कर ही लिया है, अधिकतर जो मतलब बोल रहे हैं कि 70 से सर हमारे 80 हो जाएंगे या 90 हो जाएंगे, तो देखिए ये तो आपको भी पता है कि 70 से 90 नहीं हो सकते। 20 नंबर तो कॉमन मिलना असंभव है, क्योंकि 20 नंबर तो बहुत ज्यादा होता है, तो इतना तो नहीं होगा। लेकिन अब कि कितने प्रश्नों पर कॉमन मिलेंगे, तो पीएनपी ने जो माना है, जो उनको लग रहा है ऐसा कि जो है 3 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर कॉमन नंबर मिल सकते हैं। मतलब या तो वो गलत प्रश्न है, गलत प्रश्न मतलब उनका ऑप्शन नहीं दिया गया था पेपर में, या आउट ऑफ सिलेबस हैं, या जो भी है, जो भी रीजन हो उनके, तो 3 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर कॉमन नंबर मिल सकते हैं। मतलब आप ये मानिए मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 नंबर जो है वो आपको मिल सकते हैं, कॉमन नंबर 6 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से 5 का जो ग्राफ है वो सबसे हाई ग्राफ है, परसेंटेज सबसे ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है 3 से 5 नंबर मिलने की। प्राइमरी लेवल में 3 से 5 नंबर कॉमन नंबर मिल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा आंकड़ा था जो हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल यहां पर विशेषज्ञों की टीम जो फाइनल आउटपुट देगी उसी के हिसाब से फाइनल डिसीजन लिया जाएगा और उत्तर कुंजी जारी की जाएगी, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ उन लोगों ने माना है। अभी सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके विशेषज्ञों की टीम के पास भेजा जाएगा, जो भी उस सब्जेक्ट में विशेषज्ञ होंगे उनके पास एक टीम उन सारे प्रश्नों को साक्ष्यों के साथ भेजा जाएगा, वो लोग जो फाइनल आंसर देंगे वो, क्योंकि वो पीएनपी ये नहीं चाहता जैसे यूपीटेट 2018 में जो यूपीटेट 2017 का हाल हुआ वो आगे भविष्य में हो, वो ये नहीं चाहते ये भर्ती और ज्यादा डिले हो या मामला कोर्ट में जाए, वो ये चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम विवाद यहीं पर खत्म कर दिया जाए ताकि आगे की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से हो सके। क्योंकि अगर मान लीजिए अभ्यर्थी ये मामला कोर्ट में ले जाते हैं तो उनके पास पूरा प्रूफ होगा कि भाई ये विशेषज्ञों की टीम थी, ये साक्ष्य दिए गए थे अभ्यर्थियों द्वारा और ये इन्होंने माना है और ये प्रूफ है बाकायदा पूरा। मतलब अगर केस होता है, अगर इन द केस कोर्ट में पहुंचते हैं तो 1 या 2 तारीख में इसका फैसला हो जाएगा, मतलब बहुत ही जल्द वो इसको खत्म कर देंगे। ऐसे उम्मीद जहां तक की जा रही है पीएनपी इसको कोर्ट नहीं जाने देगा, वो अच्छा भी है, हजारों नहीं लाखों अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा है कि मामला कोर्ट ना जाए, क्योंकि अगर कोर्ट गया मैटर तो आपको पता है यूपीटेट 2017 और शिक्षक भर्ती में क्या हुआ था, कोर्ट मैटर अभी तक चल रहा है उनका, पहले हाई कोर्ट डबल बेंच फिर सुप्रीम कोर्ट, तो ये मैटर कोर्ट के मैटर तो दोस्तों बहुत लंबे होते हैं, ये नहीं जाना चाहिए मैटर, मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट में मैटर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहीं पे मामला सुलझ जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, बहुत ही कॉमन प्रश्न है, वो भी ले लेते हैं। वो प्रश्न है कि क्या पास होने वाले हो सकते हैं फेल। ये प्रश्न बहुत पूछ रहे हैं, मतलब ऐसे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि जैसे बाउंड्री लाइन पे मान लीजिए जनरल वाला 90 या 91 नंबर पाया हुआ है, वो कह रहा है कि सर 90 पासिंग मार्क्स होता है जनरल का, तो हमारे तो 91 आ रहे हैं, तो अब हम क्या हो सकते हैं सर, हम शिक्षक भर्ती की तैयारी करें या ना करें। तो देखिए मैं सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि अगर आप यूपीटेट 2018 की आंसर शीट से आप मैच करके आप पास हो रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो मानिएगा अवश्य, क्योंकि ये आपके ही भविष्य का ही सवाल है। अगर आप यूपीटेट 2018 की आंसर सीट से पास हो रहे हैं, चाहे आपके 90 हैं, 91 है, 92 है, 80 है, 81 है, 82 है, 83 है, अगर आपके हैं तो आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की बिना किसी टेंशन के तैयारी किए, क्योंकि दोस्तों जितना आप टेंशन में रहेंगे आपका लॉस होगा। आज उत्तर कुंजी आएगी वो आएगी, उसको आप हम और आप बदल नहीं सकते, वहां से आपको 4 से 5 दिन आपका लॉस हो जाएगा शिक्षक भर्ती, और 4 से 5 दिन का लॉस का मतलब है आप अपनी जो सीट है, जो शिक्षक बनने की सीट है, वो आप उससे दूर हो जाएंगे। तो 4 से 5 दिन यहाँ पे दोस्तों
बहुत ही कम समय बचा है आपके पास, लगभग एक से सवा महीना बचा है। एक एक दिन, मैं तो एक एक दिन नहीं कहूंगा दोस्तों, एक एक पल आपके लिए बहुत कीमती है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ पे 11 सब्जेक्ट हैं और 11 सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो बिना कोई भी पल गवाए आप अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो आप जो प्लस माइनस 5-10 नंबर नीचे भी हैं, अगर प्लस माइनस 5 हैं, तो वो भी अपनी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करें। वो लोग बिल्कुल सोचे नहीं और अपनी तैयारी करते रहे, और इसके साथ बहुत से लोगों ने सीटेट का भी फॉर्म भरा होगा दोस्तों, तो वो सीटेट के साथ साथ भी तैयारी करते रहे, क्योंकि उसका पेपर भी अनिवार्य है। अब बात करते हैं क्या पास होने वाले फेल हो सकते हैं। देखिए, पास होने वाले फेल, इसका मैं एग्जैक्ट आंसर तो नहीं दे सकता, इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ना ही मुझे संशोधित उत्तर कुंजी अभी पता है कि कौन से के किनों ने कितने किए हैं और किसके कौन से ऑप्शन में उन्होंने क्या ऑप्शन लगाया है। तो यहां पर बहुत सारे र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप और मैसेजेस द्वारा, उन सब, मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि किसी भी आप अफवाह पर ध्यान ना दें। कोई भी पास होने वाला जो पास हो चुका है वो ये ना दे कि हम फेल हो जाएंगे तो उसी टेंशन में चला जाए, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते, और वो बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं तो यही कहूंगा। तो पास होने वाले फेल हो सकते हैं या फेल हो सकते हैं या फेल वाले पास हो जाएंगे। देखिए, फेल वाले पास हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उनको तो अच्छा ही है, लेकिन पास वाला फेल, मैं तो यही कहूंगा कि 90%, 90 से मतलब कहा जाए 95-96% चांसेस हैं कि पास होने वाले जो हैं वो फेल नहीं होंगे, जो पास हो चुके हैं और वो फेल नहीं होंगे। क्योंकि अगर 6 से 7 प्रश्न अगर आंसर की बदली जाती है तो आपको 4 से 5 प्रश्न जो है आपको कॉमन नंबर भी मिल रहा है, तो यहाँ पे एवरेज बराबर ही लगभग बैठ रहा है, तो ऐसा कभी नहीं हो ऐसा। तो हाँ, अगर आपकी किस्मत खराब है कि आपने वही 7ों प्रश्न, आपने और ऑप्शन लगाए, वही 7 के 7ों आपके चेंज हो गए और कॉमन मिले, तो आपका कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो जो लोग पास हो रहे हैं वो लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें कि वो लोग फेल हो जाएंगे, तो वो लोग बिल्कुल पास होंगे। तो ये था एक छोटा सा अपडेट दोस्तों, बहुत सारे प्रश्नों का। फिर भी अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और हम उसका समुचित उत्तर आपको अवश्य देंगे दोस्तों। और मैं आपको ये बता दूंगा, ऐसा भी लग रहा है कि संशोधित उत्तर कुंजी जो है, जो 30 तारीख को आने प्रस्तावित है, उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, मे बी 1 या 2 तारीख को आ सकती है। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश ये की जा रही है पीएनबी की, उत्तर संशोधित उत्तर कुंजी 30 को ही जारी की जाए, लेकिन ऐसा पता चल रहा है कि इसमें थोड़ा डिले हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा भी होगा, जो भी होगा, हम अपडेट हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको अवश्य सूचित करेंगे। और कोई अपडेट जानने के लिए दोस्तों नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलें, और हाँ दोस्तों, बेल आइकन पे क्लिक अवश्य कर लें ताकि वहां से आपको अपडेट प्राप्त हो रहे। और जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जुड़े हमारे चैनल से, क्योंकि हम अपने वीडियोस के माध्यम से शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर चुके हैं। और दोस्तों, टेलीग्राम लिंक से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।